हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। वेलकम मेरे चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है कुछ अलग विद शहजाद। मेरा नाम है शहजाद खान। मैं आपके लिए आज लाया हूँ सिल्की का कूल क्रीम आफ्टर शेव क्रीम। जैसे कि आप देख सकते हैं जिसका रिव्यू करते हैं, तो ये कोल्ड क्रीम आपको नॉर्मली कोई भी लोकल शॉप्स में सैलून्स में दिख जाएगा। और ये होलसेल इसका प्राइस है। प्राइस की बात करें तो यहाँ MRP आप देख सकते हैं 28 रुपीज़, पर इसका रियल दाम है 20 रुपीज़। होलसेल शॉप पे आपको 20 रुपीज़ में मिलेगा। सैलून से अगर आप परचेस करेंगे, सैलून वाले से मांगेंगे, तो आपको मिलेगा ये 28-30 रुपीज़ में। सो ये काफ़ी अच्छा कोल्ड क्रीम है। आपको फेस वॉश करने के बाद जो फेस क्लीन लगता है ना, देख सकते हैं, वैसा आपको ये यूज़ करेंगे तो एक अच्छा सा ग्लो भी देता है। और कूलिंग इफेक्ट इसका बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा फेस को और हाथ को। और आप अगर नेक पे लगाएंगे, अगर आपका ऑयली स्किन है तो भी आप ये यूज़ कर सकते हैं, और अगर ड्राई स्किन है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका कॉम्बिनेशन स्किन है, ड्राई और ऑयली दोनों मिक्स है, तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, अब यहाँ लगा लिया मैंने। अभी हाफ एन आवर से लेकर 45 मिनट तक ये मेरा हाथ कूल इफेक्ट लगेगा। मुझे बहुत कूल लगता है जब ये लगाओ हाथ में फेस पे, तो काफ़ी कूल इफेक्ट लगता है। सॉरी गाइस, जैसे कि आप ये देख सकते हैं पिंकी शेड इसका है। क्रीम का टेक्सचर थोड़ा पिंक है, पिंक क्या, पूरा पिंक है। और काफ़ी अच्छा क्रीम है। ये मार्केट में 12 साल से है, और स्पेशली मुंबई में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। कोई भी शॉप में अगर आप जहाँ से परचेस करना चाहे वहाँ से आप कर सकते हैं। मोस्टली जहाँ क्रीम का होलसेल शॉप होता है वहाँ पे इजीली अवेलेबल होता है ये। और सैलून में से भी आप परचेस कर सकते हैं। ये आपको कोई भी सैलून में मिलेगा। यहाँ लिखा हुआ है सिल्की कूल क्रीम आफ्टर शेव कूल क्रीम, ओके। और यहाँ देख सकते हैं आप MRP दिया है, मैन्युफैक्चर डेट दिया है, और कहाँ ये बनता है क्रीम उसका भी डिटेल दिया हुआ है। और यहाँ देख सकते हैं आप थोड़ा इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कूल स्किन कंडीशनर सिल्की कूल क्रीम मॉइस्चराइज योर स्किन, लीव योर स्किन फेस स्मूथ एंड रिफ्रेश। आपके फेस को एक अच्छा स्मूथी लुक देता है, रिफ्रेशिंग ऑल डे लॉन्ग। मतलब पूरा दिन आपको एक अच्छा रिफ्रेश और ताजगी भरा आपको लगेगा अगर आप ये क्रीम लगाएंगे तो। और जहाँ तक देखा जाए तो ये थोड़ा बहुत सच भी है, पूरा दिन का तो नहीं बोल सकते। और ग्रीसी बिल्कुल भी नहीं, ऑयली लुक नहीं लगेगा आप ये लगाएंगे तो। देखिए, देख सकते हैं बिल्कुल भी ऑयली नहीं लग रहा है। ये हाथ का क्रीम देखिए और ये देखिए, मेरे को भी नहीं पता था इतना डिफरेंस लगेगा। ये देखिए आपके सामने लगाया मैंने, ये आपको भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं, नहीं तो बोलेंगे कि कैमरा इफेक्ट है, फिल्टर्स है, एडिटिंग है। और एडिटिंग का मेरे को बिल्कुल भी वो नहीं है नॉलेज, तो एडिटिंग तो दूर की बात है। ये जो है सामने, दोनों हाथ सेम हो जाए बस, थोड़ा बहुत पता नहीं, एक हाथ काला हो सकता हो। ये देखिए, ये यहाँ पे ले लिए हमने, सिल्की क्रीमी है, कोई और नहीं है। यहाँ पे लगाते हैं इसको अच्छे से, दोनों हाथ सेम करना है इसको अच्छे से। हम लोग वो यहाँ भी लग गया, सॉरी गंदा दिख रहा है, अच्छा सेटअप नहीं है इसके लिए थोड़ा सा। अब ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सेम हो गया, क्या बोल सकते हैं, मैस ही पूरा मैस कर दिया मैंने। इसके बाद देखे हम लोग इसका कूल इफेक्ट बहुत अच्छा है इसका, आपको फेस को अच्छा रिफ्रेशिंग देता है, सही बात है। और ग्रीसी लुक नहीं देगा, बिल्कुल भी ऑयली लुक नहीं देगा, हाई परफॉर्मेंस। इसका बात करें अगर हम इसका, तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है, कोई भी परचेस कर सकता है इसको, इसीलिए हर सैलून में अवेलेबल होता है। स्पेशली बात किया जाए मुंबई का, तो मुंबई में कूल सिल्की कूल क्रीम के नाम से फेमस है, दूसरे जगह कोई और क्रीम के नाम से फेमस होगा। टेक्सचर यही रहता है, पिंक शेड रहता है इसका। देखिए ये हाथ भी सेम लग रहा है, अब ये ज़्यादा हो रहा है, ये ऐसा है, ये कोई कैमरा ट्रिक नहीं है, बस आपको ये दिखाना था। ग्रीसी लुक नहीं दे रहा है बिल्कुल भी, अच्छा कूलिंग इफेक्ट है, काफ़ी बेहतरीन क्रीम है। नॉट फॉर ओनली आफ्टर शेव बट ऑल्सो नॉर्मली यू कैन यूज़ इट ऑन योर फेस और एनी वेयर वेर यू वॉन्ट कूल इफेक्ट यू कैन यूज़ इट। जहाँ भी आपको कूल इफेक्ट चाहिए, कूलिंग इफेक्ट का आपको ज़रूरत है, ये आपको लगता है ऐसा, और रिफ्रेशिंग स्किन चाहिए, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। रीजनेबल प्राइस है। फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे इसका रिव्यू किसी ने किया है, उसका नाम है शहजाद खान। तो मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक दबा दीजिएगा, कमेंट करिए, मैं आपके लिए और रिव्यूज़ लाते रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।